करने वाली है रिटर्न इस बार समरस्लैम 2021 के अंदर। तो गाइस क्या इसके पीछे की पूरी डिटेल में बात है, और गाइस बैकी लिंच भी आने वाली है समरस्लैम 2021 से पहले, और गाइस वो भी एक ह्यूज मैच रिसल करने वाली है मेगा पार्टी ऑफ समर यानी कि समरस्लैम 2021 के अंदर। तो क्या है पूरी बातें वीडियो के अंदर कवर करने वाले, साथ ही में बात करेंगे नेक्स्ट वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में और मंडे नाइट रॉ के बारे में, क्योंकि इसके लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत बड़े सेगमेंट्स ऑफिशियल कर दिए हैं। साथ में बात करने वाला है एक न्यू डेब्यू के बारे में जो कि होने वाला है जल्दी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर। तो इन सारी चीजों के बारे में वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, सारा सिर्फ जरूर देखना। बट चाहे मैंने तो सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो ताकि आपको हमारे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ में जो कि जुड़ी है नेक्स्ट वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिए हैं दो बड़े सेगमेंट्स ऑफिशियल, जहां पर एक होने वाला है चैंपियनशिप का मैच और एक होने वाला है फेटल फोर वे मैच। तो गाइस पहला मैच होने वाला है बियांका का बेलर अपने टाइटल को डिफेंड करने वाली है गेस्ट कार्मेला, जो कि होने वाला है फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच। और भाई यहां पर से स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप डिफेंड कर जाने वाली है इस बार डिफेंड, तो इसके लिए मैच है। नेक्स्ट मैच होने वाला है वो होने वाला है हमारे बिकी वर्सेस कैमरन रोस वर्सेस किंग नाकामुरा वर्सेस स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉन्स के बीच फेटल फोर वे मैच। और भाई यहां पर से 400% जो कि हो चुके हैं मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालीफाई, वो सब सुपरस्टार आपस में कंपीट करने वाले हैं। और भाई यहां पर से एक फेटल फोर वे मैच ऑफिशियल कर दिया, और भाई यही कुछ सीन है मंडे नाइट रॉ को, जहां पर से अलेक्सा ब्लिस फेस करने वाले हैं निकी क्रॉस वर्सेस यहां पर से नेओमी एंड आस्का के बीच। और भाई यहां पर से ये भी वो जो विमेंस रॉ की ओर से क्वालिफाई हो गए मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर, वो भी होने वाले हैं इस बार फेटल फोर वे मैच के एक्शन के अंदर। भाई साथ ही में होने वाला है एक मैच जहां पर अपने ऑलमाइटी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन फेस करने वाला है बॉबी लेसली फेस करने वाले हैं अपने कोफी किंगस्टन की दोस्त यानी कि ज़ेवियर वुड्स को, जो कि होने वाला एक सिंगल्स मैच जो कि पिछले हफ्ते होने वाला था बट अब ये होने वाला है। और भाई नेक्स्ट सेगमेंट हो चुका है वो हो चुका है अपने जिंदर महल एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच किया सिचुएशन है। और वही यहाँ पर से क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, तो इनके जो राइवल रिचा दियारी तो इसके कह रही है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया, बट देख लेते क्या होता है इनका सेगमेंट पर। गाइस अब हम लोग बढ़ लेते हैं सेकंड अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक नेक्स्ट बड़े स्मैकडाउन के डेब्यू के बारे में, जो कि आने वाले समय के अंदर बहुत जल्द होने वाला है। और भाई यहाँ पर से ये होने वाला है स्मैकडाउन की ओर से डेब्यू जो कि होने वाला है एनएक्सटी सुपरस्टार यानी कि टोनी स्टॉर्म का। और भाई यहाँ पर से डब्ल्यूडब्ल्यूई आज हमें स्मैकडाउन के ऊपर एक एवी दिखाती है, जहाँ पर से टोनी स्टॉर्म की मुझे वो एवी सुनाई जाती है। और भाई यहाँ पर से टोनी टाइम जो कि टोनी स्टॉर्म है वो कमिंग सून यहाँ पर से डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही है। और भाई सोचे इसका मान है, मतलब भाई ऐसे ही रिप्ले का दिखाया था सीन। और भाई यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो टोनी स्टॉर्म है जो कि एनएक्सटी के अंदर सुपरस्टार थे, वो मंडे नाइट रॉ ब्रांड के ऊपर स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर आने वाली है। और भाई यहाँ पर से जैसे हमने देखा था कि भाई आज स्मैकडाउन पर टीगन ऑक्स एंड शॉन्टी ब्लैकहार्ट ने अपना आज डेब्यू किया मेन रोस्टर पर, उन्होंने हराया था यहाँ पर से वुमेन्स की टैग टीम चैंपियंस यानी कि यहाँ पर से जो टमीना नटाले उनको हराए। तो ये यहाँ पर से अभी सीन होने वाला है टोनी स्टॉर्म का। और गाइस देख लेते हैं टोनी स्टॉर्म का कब डेब्यू होता है, क्या होता है नेक्स्ट वीक यानी कि लाइव मैच आने के बाद पहले स्टार्टिंग, अगर क्या वो मनी इन द बैंक के अंदर क्वालिफाई करती है फिर डेब्यू करती है, क्या सारा सीन होता है ये तो मुझे नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से और जो है नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड को ट्यून करना पड़ेगा। तो देख लेते क्या होता है टोनी स्टॉर्म के डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन का डेब्यू का। गाइस फाइनल अपडेट की ओर मैं बढ़ूं, तो गाइस फाइनल अपडेट जुड़ी है इस बार अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई की द मैड बेकी लिंच के बारे में, जो कि करने वाली है बहुत जल्द अपना रिटर्न हो रही है जिसके ऊपर भी आ चुके हैं फ्रेश कमाल की न्यू अपडेट। और भाई यहाँ पर से बहुत मेगा अपडेट आ चुकी है, और भाई स्पोर्ट्स की राखी वैसे अपडेट आ चुकी है। और भाई यहाँ पर ये बात रिवील हो चुकी है जो बेकी लिंच है वो किसी भी हालत के अंदर समर स्लैम 2021 से पहले आने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस। तो गाइस यहाँ पर से हमें ये एंगल दिखाई जाने वाला है कि स्पेशली जो है यहाँ पर से हमें बेकी लिंच जो है क्या पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मनी द बैंक के अंदर भी आ सकती है या फिर मनी इन द बैंक से पहले या फिर मनी इन द बैंक के बाद भी हो सकती है। चांसेस जो है मनी इन द बैंक के पेपर व्यू के अंदर माने जा रहे हैं कि वो जो हमें दिखाई दे सकती है, और वो आकर रिया रिप्ले को चैलेंज करने वाली फॉर दी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और इन दोनों के बीच में क्लास देखने को मिलने वाला है इस बार समरस्लैम 2021 के अंदर। और भाई यहाँ पर से ये फिलहाल सीन होने वाला है, और भाई यहाँ पर से बेकी लिंच भी आने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से दोबारा से रिटर्न। तो ये फिलहाल है बेकी लिंच के रिटर्न के ऊपर अपडेट, पर देख लेते क्या होता है और भाई यहाँ पर से कब होती बेकी लिंच की रिटर्न, और भाई जल्द से जल्द होने वाली है उनकी रिटर्न। तो भाई यही फिलहाल अपडेट। और गाइस बाकी आज की हमारी वीडियो बस यही तक थी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है वीडियो कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही।